सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परितांडी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और पेपर कलर देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कुछ कर रही हूँ क्राफ्टिंग। तो मेरे को बनाना है, एक्चुअली श्रेयांश के स्कूल से मैसेज आया है कि सीनू को बनना है एक बीज। तो उसके लिए मुझे जो आम की गुठली होती है उसकी ड्राइंग करके इस वाइट पेपर पे, फिर उस पेपर को इस पे चिपकाना है, फिर ये थर्माकोल सिनू के गले में पहनाना है। तो सिनू को एक बीज का रोल करना है, तो उसके लिए मुझे बनाना है बीज। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ वाइट चार्ट पेपर और कलर। इसके अंदर बच्चों ने पूरे ख़राब कर दिए है, लेकिन मुझे चाहिए ग्रीन कलर, ब्राउन कलर। तो हम देखते हैं कलर हो जाएगा हमारा मैनेज। यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रश पेंसिल, जिससे मैं पहले ड्राइंग करूँगी, और उसी के साथ मैंने ले लिया है फेविकॉल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
ये हमारी आम की गुठली की ड्राइंग बन चुकी है। अब हमें चाहिए, पहले तो हमें इसको फेविकॉल से चारों तरफ से चिपकाना पड़ेगा, जो कि मैंने इसको चिपका दिया है। अब हम एक धागे से यहाँ से साइड से बांध देंगे ताकि सीनू के गले में इसको पहना सके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम दो छोटे छोटे छेद कर लेंगे। उसके लिए मैं बस जो ब्रश है उसी से मैं दो छेद कर दिए हूँ, और जो सिलाई करते हैं वो जो धागा है उसी को 4-5 गुना मैंने धागा करके फिर उसी धागे को बांध के फिर गांठ लगा दी, और इसी को हम सीनू के गले में पहना देंगे। सीनू का तो पहनने का मन भी नहीं है, वो तो बोल रहा है कि मम्मा मुझे शर्म आएगी, मैं ये सब नहीं पहनूंगा। बट मैंने कहा नहीं बेटा, पहनना तो है ही है, स्कूल में कुछ भी होता है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आज के इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे स्टॉप। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, टेक केयर, बाय बाय।